निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा लाहौर। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी और आला शख्सियात से मुलाकात। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर देखा। सरमाकारों को एक ही छत तले दी गई सहूलियात पर ब्रीफिंग। अनवारुल हक काकड़ मोहसिन नकवी के भी मोतरफ। कहा, पंजाब जैसे इकदाम किसी सूबे में नहीं देखे। मोहसिन नकवी की कारकर्दगी देख कर रश्क आता है। विफाक का पंजाब के साथ आगे बढ़ने की ख्वाहिश का इजहार। सन्नत नगर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने इफ्तिताह किया। स्नोकर क्लब, टेबल टेनिस बोर्ड देखा। मोहसिन नकवी ने कैरम बोर्ड पर बाजी भी लगाई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नौजवानों को खेलों के भरपूर मौके फराहम करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आला का नए साल का तोहफा। ड्राइविंग लाइसेंस पुरानी फीसों के मुताबिक बनवाने की तारीख में 9 जनवरी तक तौसी। लर्नर परमिट लाइसेंस फीसों में इजाफे का नया शेड्यूल 10 जनवरी से नाफिजुल अमल होगा। मोटरसाइकिल का लर्नर लाइसेंस 1000 रुपए का बनेगा। 36 थानों की अपग्रेडेशन मुकम्मल। वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी ने वर्चुअल इफ्तिताह किया। थाना गुलशन इकबाल की इमारत का बाजाबता इफ्तिताह हुआ। वेटिंग रूम, SHO रूम, IT रूम का जायजा लिया। लेडी पुलिस एहलकारों के लिए अच्छी खबर, 120 इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदने का फैसला। हुकूमत से 30 करोड़ का बजट मंजूर। मोहसिन स्पीड का एक और कारनामा। डॉक्टर हसन मुराद रोड की 15 रोज में तामीर। अकबर चौक ता अमीर चौक 8.4 किलोमीटर रोड 2 हफ्तों में बना दिया। निगरान वज़ीर-ए-आला का कंट्रोल एक्स कॉरिडोर बंद रोड पर प्रोजेक्ट का दौरा। मंसूबे के लिए मिट्टी सप्लाई करने वाले कॉन्ट्रैक्टर से भत्ता लेने का नोटिस, रिपोर्ट तलब। मोहसिन नकवी ने LDA की भी स्पीड बढ़ा दी। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को तरक्की की राहों पर डाल दिया। 2023 में LDA ने मेगा मंसूबे मुकम्मल किए। नजरिया पाकिस्तान रोड सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना। समनाबाद अंडरपास हदफ से 2 माह कबल मुकम्मल किया। कैवलरी अंडरपास, बेदिया रोड अंडरपास ने तारीख रकम की। शाहदरा फ्लाईओवर, मोहम्मद अली जोहर फ्लाईओवर अपनी मिसाल आप बने। LDA जिनाह सेक्टर में हंजा रोड और चनाब रोड के लिए अराजी का कब्जा भी हासिल कर लिया। हंजा रोड के लिए 36 केनाल, चनाब रोड के लिए 22 केनाल जगह ले ली। इंतखाबात 2024 की तैयारियां। लाहौर में पोलिंग स्टेशन की तादाद में इजाफा। 4,354 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। 2018 के इलेक्शन में तादाद 3,885 थी। 1500 स्कूलों में पोलिंग स्टेशन बनेंगे। 1000 सरकारी और 500 प्राइवेट स्कूल शामिल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। हुकूमत ने LPG की कीमत में 2 रुपए बढ़ा दी। नई कीमत 256 रुपए किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 3,026 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 11,571 रुपए तक जा पहुंची। शहर में LPG 270 रुपए किलो ब्लैक की जा रही है। लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। लेस्को में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। मजाफाती इलाकों में हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली जाने लगी। शहरी इलाकों में भी गैर अलानिया लोड शेडिंग जारी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। तजावजात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन को ब्रेक। माफिया ने दोबारा से पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। शेरांवाला गेट में तजावजात की मरम्मत। जगह जगह रेड़ीबानों ने कब्जा जमा रखा है। बिजली जितनी चाहे इस्तेमाल करो, बिल सिर्फ 500। लाहौर बोर्ड के सरकारी मुलाजमीन की मौजें। सरकारी फ्लैट्स के मकीन महाना सिर्फ 499 रुपए बिल देते हैं। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। तालीमी बोर्ड हुकाम ने मामले पर चुप साध ली। स्कूलों को जारी 3 अरब रुपए के फंड। एजुकेशन अथॉरिटीज को मुंतकिल। लाहौर के स्कूलों के लिए 16 करोड़ रुपए जारी किए गए। एडिशनल जजेस के लिए 4 रोजा तरबियती कोर्स का आगाज। साइमा असद, एजाज अहमद, शहबाज इकबाल ताड़, उमर फारूक खान समेत 26 एडिशनल सेशन जज शरीक। कायम मकाम DG जुडिशियल अकेडमी अश्तर अब्बास और डायरेक्टर इरम अयास का लेक्चर। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर। NA 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर।
जस्टिस रिसाल हसन सैयद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपेलेट ट्रिब्यूनल 3 दिसंबर को समाप्त करेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर समाप्त करेगा। परवेज इलाही, उनकी अहलिया और बेटे मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का केस, रिटर्निंग अफसरान के फैसलों की मुसद्दिका नकूल न देने का इकदाम हाईकोर्ट में चैलेंज। पीटीआई को खवातीन की मखसूस नशस्तों की फहरिस्त जारी न करने का केस, आलिया हमजा समेत 3 खवातीन की दरख्वास्तों पर तहरीरी अबूरी हुक्म जारी। सेशन कोर्ट लाहौर में सानिया नौमई केस की समाअत, सनम जावेद का 1 रोजा रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले। मियां नवाज शरीफ के जेर सदारत मुशावरती इजलास खत्म, आइंदा इंतखाबात में टिकटों की तकसीम पर मुशावरत, टिकट न मिलने वाले रहनुमाओं को एतमाद में लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सेनेट में एडजस्ट किया जाएगा, आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल। नून लीग के दौर में मुल्क तरक्की कर रहा था कि नवाज शरीफ को हटा दिया गया, आज महंगाई ने अवाम की नींदें हराम कर दी। लोगों के पास बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं, ओहदे आते जाते रहते हैं, हम सिर्फ मुल्क की तरक्की चाहते हैं, हमजा शहबाज का गड़ी शाहू में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की जेर सदारत इजलास, वर्ल्ड बैंक के तहत जारी प्रायर प्रोग्राम पर बात, बताया प्रोग्राम 4 मराहल में मुकम्मल होगा, अफसरान को काम तेज करने की हिदायत। हुकूमत की काविशें रंग ले आईं, साल 2023 में पंजाब में पोलियो का कोई केस रिपोर्ट ना हुआ, पोलियो के खिलाफ 9 मुहिमें चलाई गईं, औसत कवरेज 100% रही। पीएचए की गफलत, अकबर चौक फ्लाईओवर के नीचे प्लांटेशन का काम अधूरा, मंसूबे का 2% फंड शजरकारी के लिए वसूल किया, 1 माह बाद भी ग्रीन बेल्ट मुकम्मल न हुआ। हाईकोर्ट बार के इंतखाबात 24 फरवरी को होंगे, शेड्यूल जारी, उम्मीदवार 8 से 10 जनवरी तक कागजात जमा करा सकेंगे, 16 जनवरी को कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे, हतमी फहरिस्त 17 जनवरी को लगेगी।